Hello everyone, I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and precautions, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है. हमें सारे precautions बहुत अच्छे से लेने हैं और साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है. और ये पढ़ाई अच्छी कैसे हो सकती है, आप अपने एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको कैसे एस कर सकते हैं, देन ऑफकोर्स अन अकेडमी के साथ यू कैन एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स. सिर्फ स्कूल एग्जाम्स ही नहीं, अगर आप अन अकेडमी के साथ पढ़ते हैं तो अगर आप आगे जाके कोई कंपेटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, लेट्स से यूपीएससी और जेईई मेंस, देन अन अकेडमी के साथ आप ये सारे कंपेटेटिव एग्जाम्स भी एस कर सकते हैं. बिकॉज एट अन अकेडमी यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. जी हाँ, अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सब इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं. दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री. तो जब आप बेस्ट से पढ़ेंगे और जब आप बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे देन ऑफ कोर्स यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स. अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फॉर विच यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप, वहां पे आपको इजीली दिख जाएगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एंड देयर यू कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस, टू एनी ऑफ द पैकेजेस, जिसके बारे में हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. सो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू गेट टू नो ऑल द फीचर्स, ऑल द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस और आप कैसे कैसे अन अकेडमी पे क्लासेस ले सकते हैं. बट अभी अगर मैं कोई जनरल फीचर्स की बात करूं कि आप अन अकेडमी से पढ़ेंगे तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो कोई भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते, तो एक बेनिफिट तो मैं बता ही चुकी हूँ, दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं एजुकेटर्स एंड अकेडमी पे, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन दैट फील्ड एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री. इसके अलावा अगर आप अन अकेडमी के साथ पढ़ते हैं तो पहला तो अन अकेडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो आपको नर्वसली कहीं भी गूगल पे या कहीं भी और यू नो सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक कहाँ से कवर करना है. एट अन अकेडमी वी गिव यू द एंटायर स्टडी मटीरियल इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी. इसके अलावा अन अकेडमी पे डेली टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, क्विज होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. यानी कि जो आप ये वीडियो हमारे जो चैप्टर्स हमारे सेशंस अटेंड करते हो, वीडियो के बीच में आपको हो सकता है डाउट्स आ सकते हैं, व्हिच इज वेरी नेचुरल. तो अगर आपको ऐसे कोई भी एकेडमिक डाउट्स हैं तो वो भी आप अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लियर कर सकते हैं. यू कैन बेसिकली इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर्स. जैसे ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहां पे मेरे साथ आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू इंटरैक्ट विद मी देन यू कैन ईजिली टेक स्पेशल क्लासेस ऑन द अन अकेडमी ऐप, जो कि बिल्कुल ही फ्री है. इफ यू टेक द स्पेशल क्लासेस ऑन अन अकेडमी ऐप तो वहां पे आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. प्लस यू नो ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री है, तो आप फ्री में सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, बट अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन ऑफकोर्स आपको पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, विच इज अगेन वेरी रीजनेबल, वेरी मिनिमल अमाउंट. एंड उस अमाउंट को और रीजनेबल बनाना है तो आपको मिल सकता है 10% ऑफ, सीधा 10% डिस्काउंट, बिकॉज इफ यू यूज माई कोड PJAIN10 विच इज ऑल्सो मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा ही कोड यूज करेंगे, दैट इज PJAIN10, देन आपको सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलता है जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं. Whether you want to take plus subscription or iconic subscription, जो भी subscription आपको लेना है उस पर आपको 10% off मिल जाएगा. वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट होते ही रहते हैं अन अकेडमी पे. आप लाइव क्लियर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं अन अकेडमी पे, टॉप एजुकेटर्स हैं. इसके अलावा अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू गेट अ मेंटोर. अभी मेंटोर क्या करता है, ये आपको एज अ फ्रेंड एज अ टीचर आपको गाइडेंस देता रहेगा कि आपको कैसे अपना सिलेबस कवर करना चाहिए, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर जो आपके प्लान्स है, हाउ कैन यू यू नो पुट इन एफर्ट्स राइट नाउ इन 7th स्टैंडर्ड और एनी क्लास यू आर इन, एंड हाउ यू कैन यू नो डू बेटर टू अचीव योर गोल्स. एज अ मेंटर दे गाइड यू विद एवरीथिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. ये तो सिर्फ
बहुत थोड़े से बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और एक चीज़ जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो ये है कि अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको विद इन अ वीक, यस विद इन अ वीक, आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। यू विल एक्चुअली सी कि आपके जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हो चुके हैं। सो आपको अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में और जानना है, इनके बेनिफिट्स, फीचर्स, क्या प्राइस होते हैं सब्सक्रिप्शन के, प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या प्राइस है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या प्राइस है, देन यू नीड टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल अगेन बी डिस्कसिंग ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द फीचर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट आर अवेलेबल एट अन अकेडमी। और उनको उन जो रेट्स होती हैं सब्सक्रिप्शन की, कैसे आप उन पे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, इफ़ यू यूज माई कोड दैट इज PJAI10, जो कि आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ भी दिया हुआ है, इफ़ यू यूज माई कोड तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस, क्योंकि मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ 7th ग्रेड को, तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं और आपको मैथ्स पढ़ना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरा कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस भी क्लास के लिए पढ़ना है, इनफैक्ट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC या बैंक के एग्जाम्स, और आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, वहां पे भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। सो आई होप आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेने में देर नहीं करेंगे। और अब तक तो मैंने सारा आपको अन अकेडमी के बारे में बताया, नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। So my name is Pratiksha Jain and I teach social science to grade 7 at an academy. I did my Bachelor of Arts in Psychology from Lady Shriram College, Delhi, which comes under Delhi University. तो आई होप अब आपको थोड़ा सा मेरा भी इंट्रोडक्शन मिल गया है, मेरे बारे में भी आप जानते हैं, अन अकेडमी के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में भी बात मैं कर चुकी हूँ। तो आई थिंक नाउ वी शुड जस्ट मूव ऑन टू आवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, विच इज ऑल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, अ शर्ट इन द मार्केट। जी हाँ, एक पूरा शर्ट बनने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो शर्ट हम पहनते हैं ऐसे उसके पीछे की क्या स्टोरी होती है, तो वो अगर हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि मैं अब तक अपने सारी वीडियोस में करते आई हूँ, एंड मेरा ऐसा मानना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही हमें नहीं होगी तो देन ऑफकोर्स आर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे एंड आप यू नो एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से पास कर लेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं बताऊं तो डोंट यू थिंक योर नॉलेज वुड बी इनकम्प्लीट, एंड डोंट यू थिंक दैट यू नो हर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू नो वी बिकम एन इवॉल्व्ड पर्सन, वी बिकम इवॉल्व ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिविक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्या मीनिंग होता है, एंड देन वी विल ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स आर चैप्टर, वी विल इवेंचुअली स्लिप इन टू आर चैप्टर। तो सबसे पहले सिविक्स, जिसका ये चैप्टर है अ शर्ट इन द मार्केट, इस वर्ड सिविक्स का मतलब क्या है, तो अगर मैं बहुत इजी टर्म्स में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, देन सिविक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस। यानी कि राइट्स मतलब हमारे अधिकार, हमारे क्या राइट्स होते हैं। तो हम 6th स्टैंडर्ड से बहुत सारे राइट्स अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, ये बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो हमारे एज सिटीजन्स हमें मिलते हैं। सो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं। अब हमें हमारे अधिकार तो मिल गए, बट हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपनी कंट्री के लिए, सो दैट इज ड्यूटीज एज सिटीजन्स। तो हमारी ड्यूटीज होती है वोट डालना, जब भी कोई इलेक्शंस हो, इफ यू आर एलिजिबल देन वी हैव टू कास्ट आवर वोट्स। एज ग्राउंड लेवल पे हमारी क्या सिटीजन्स की ड्यूटीज हो सकती है, वी एज सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्रोच द गवर्नमेंट इफ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ चेंज इन आर कंट्री। सो हमारी कुछ राइट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं द डे वी आर बॉर्न, हमें वो सारे राइट्स मिल जाते हैं, बट एज सिटीजन्स हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं टूवर्ड्स द कंट्री एज आर सिटीजन्स। सो आई होप
अगर सिंपल टर्म्स में मैंने जो ये डेफिनेशन आपको समझाई सिविक्स की, विच इज बेसिकली स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री, तो अगर हम किसी सब्जेक्ट में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, दैट इज हमारे क्या एज सिटीजंस हमारे क्या राइट्स होते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज होती हैं, अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं देन दैट इज सिविक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलेंगे या फिर जब आप एक कभी वर्ड भी सुनेंगे या आप अपने एग्जाम देने जाएंगे सिविक्स का, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कि सिविक्स का मतलब क्या होता है। और अगर आप सिविक्स की बुक खोलेंगे तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि यू नो समथिंग वुड बी रिलेटेड टू आर राइट्स और ड्यूटीज एज सिटीजन। जितने भी चैप्टर होंगे वो आगे ना पीछे इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड होंगे। सो आई होप सिविक्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि सिविक्स चैप्टर क्या है एंड क्या होता है उसमें। Now we move towards our chapter, finally, a shirt in the market, that is chapter 9. कैसे एक शर्ट हमें जो मिलती है, ये जो ऐसी शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, इसके पीछे की क्या कहानी होती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो इन द बुक चैप्टर स्टार्ट होता है एक केस स्टोरी से, दैट इज अ स्मॉल फार्मर इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो स्वप्ना नाम की एक लेडी होती है हु इज अ कॉटन कल्टिवेटर, जो कॉटन की हार्वेस्टिंग करती है, एंड बहुत उनके यू नो शी पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन कल्टिवेटिंग दैट कॉटन। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारे यू नो शी पुट्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करती है, बट जितनी भी कॉटन वो प्रोड्यूस करती है उसके लिए उनको सही प्राइस पे शी इज नॉट एबल टू सेल दैट कॉटन। तो ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, उसको मैं इस वीडियो में ज्यादा कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक रेफरेंस के लिए बुक में वो स्टोरी दी हुई है सो दैट यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन। एक थोड़ा सा समरी मैं बता चुकी हूँ दैट शी इज अ वेरी स्मॉल कॉटन कल्टिवेटर, शी पुट्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कल्टिवेट कॉटन, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज नॉट एबल टू गेट द अमाउंट विच शी शुड गेट फॉर हर हार्ड वर्क एंड टाइम इन्वेस्टमेंट इन कल्टिवेटिंग दैट कॉटन। प्लस वो ज़्यादा कुछ अगेंस्ट भी नहीं जाती है ट्रेडर के, बिकॉज द ट्रेडर इज अ वेरी पावरफुल पर्सन ऑफ द विलेज एंड शी इज वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट ट्रेडर फॉर लोन्स, फॉर रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए सपना इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दैट ट्रेडर, जो उनको कॉटन की हार्वेस्टिंग के लिए सही प्राइस नहीं देता। सो हाउ दीज पुअर फार्मर्स और कल्टिवेटर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रिच एंड पावरफुल पीपल, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो दैट वॉज जस्ट अ स्मॉल केस स्टडी विच यू कैन रीड इट ऑन योर ओन एंड इट इज एब्सोल्यूटली वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो वील मूव फर्दर एंड वी फाइनली कम टू द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। तो इरोड इज अ प्लेस इन तमिलनाडु। इरोड में बाई वीकली क्लॉथ मार्केट लगता है। वीकली मार्केट्स क्या होते हैं, हम लास्ट चैप्टर में दैट इज चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है कि वीकली मार्केट्स क्या होते हैं। जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियो देन यू कैन गो टू चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस, जहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट समझाए हैं और मैंने बहुत डिटेल में वीकली मार्केट्स भी समझाए हैं। सो यू कैन गो टू दैट वीडियो आफ्टर watching this video, so your concepts about market is clear and बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि वीकली मार्केट्स क्या होते हैं। तो इरोड में जो है ऐसे ही बाई वीकली मार्केट लगते हैं। इरोड इज इन तमिलनाडु एंड ये जो क्लॉथ मार्केट है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है, यानी कपड़े का बाजार है तमिलनाडु में, दैट इज इरोड मार्केट। यहाँ पे लगता है बाई वीकली मार्केट। अब बाई वीकली क्या होता है, वीकली तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, बाय वीकली क्या होता है, तो बाय वीकली बाय मतलब होता है टू टाइम्स, यानी कि वीकली मार्केट जो पूरे वीक में दो बार लगता है उसको हम कहते हैं बाय वीकली क्लॉथ मार्केट। सो जो इरोड मार्केट है जो तमिलनाडु में लगता है ये वीक में दो बार लगता है एंड ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है। अब हम समझेंगे प्रोसेस, ये मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है ये तो हमें पता है, बट कैसे यहाँ पे कपड़े बिकते हैं, यू नो व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड द क्लॉथ दैट इज सोल्ड इन दिस मार्केट। जो कपड़े यहाँ पे बेचे जाते हैं, जो क्लॉथ यहाँ पे बेचा जाता है उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं,
गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मतलब होता है जैसे कि जो कपड़े बनाते हैं, जैसे कि ये टी शर्ट है या पैंट है, जो ये सारे गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो ये गारमेंट्स बनाते हैं, और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं यानी कि जो अपनी कंट्री से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं, तो जो गारमेंट्स और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं, ये इनको जितने कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है दूसरी कंट्रीज में भेजने के लिए, वो ऑर्डर ये लोग मर्चेंट्स को देते हैं। यानी कि सपोज मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ और आप एक मर्चेंट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड दैट यू आर अ मर्चेंट। अब मुझे चाहिए लेट्स से 500 क्लॉथ, आई हैव टू सेंड 500 कपड़े टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो मेरी डिमांड है दैट यू प्रोवाइड मी विथ 500 क्लॉथ, ठीक है? नाउ यू आर द मर्चेंट, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर थी, मैंने अपनी डिमांड आपको बताई, यू आर द मर्चेंट। अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने अपनी डिमांड बता दी, अब आप 500 क्लॉथ का ऑर्डर आपकी वीवर्स को देंगे। वीवर्स, वीवर्स वो लोग हैं जो आपको ये कपड़ा बना के देंगे। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द मर्चेंट, यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द यार्न, यानी कि जो क्लॉथ बनाने के लिए जो धागे चाहिए होंगे वो आप वीवर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखिए क्रोनोलॉजी समझे, मुझे रिक्वायरमेंट थी, आई वॉज द गारमेंट मैन्युफैक्चर, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे 500 क्लॉथ की जरूरत है। मैंने आपको यानी कि मर्चेंट को एक ऑर्डर दिया दैट मेरी ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है और आप मुझे कहीं से भी लाके जो बेस्ट क्वालिटी का 500 क्लॉथ 500 कपड़े लाके दो। अब आप क्या करोगे, सपोज आपके भाई बहन, छोटे जो भाई बहन है वो वीवर्स है, सो आप जाके ये ऑर्डर अपने वीवर्स को देंगे कि हमें 500 कपड़े की जरूरत है, और साथ के साथ आप जो है वीवर्स को धागे भी देंगे यानी कि यार्न्स भी देंगे कि हम आपको मटेरियल दे रहे हैं और हमें इस डेट तक इतना ऑर्डर चाहिए। तो मैंने ऑर्डर मर्चेंट को दिया, एक गारमेंट मैन्युफैक्चर, एक एक्सपोर्टर ने ऑर्डर मर्चेंट को दिया, मर्चेंट ने जाके वो ऑर्डर वीवर को दिया। सो ये प्रोसेस रहता है कि कैसे कपड़े बनते हैं। सो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री गिव ऑर्डर्स टू द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड, किस टाइप का कपड़ा बनाना है, यू नो कौन से कलर का बनाना है, किस स्टाइल का बनाना है, ये सारी चीजें मर्चेंट्स वीवर्स को बताते हैं। अब क्या होता है, वीवर्स ने, मैंने 500 का ऑर्डर दिया था, मर्चेंट ने जाके वीवर को 500 का ऑर्डर दे दिया, वीवर ने वो सारे 500 कपड़े बना लिए। अब ये जो मार्केट लगता है इरोड क्लॉथ मार्केट, वीवर्स यहाँ पे जो भी उनको ऑर्डर आया होता है इस मार्केट के अंदर, वीवर्स मर्चेंट्स को वो अपना सप्लाई कर देते हैं ऑर्डर, और मर्चेंट्स आगे जाके गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स को वो दे देता है। तो इस वे में एक कपड़ा बनता है, जितना ऑर्डर मर्चेंट के पास आता है मर्चेंट वो ऑर्डर वीवर्स को दे देता है, फिर वीवर्स जितने भी होते हैं वो उस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ऑर्डर पूरा होने पे दे गिव इट टू द मर्चेंट, और मर्चेंट आगे जाके वापस गारमेंट मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर को दे जाता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस हाउ अ क्लॉथ इज मेड एंड हाउ इट रीचेज द गारमेंट मैन्युफैक्चर। सो ऑन मार्केट डेज वीवर्स ब्रिंग द क्लॉथ मेड ऑन द मर्चेंट्स ऑर्डर, यानी मर्चेंट ने जितना ऑर्डर वीवर को दिया था वीवर वो ऑर्डर बना के मार्केट में ले आता है एंड मर्चेंट को दे देता है। मर्चेंट फर्दर सप्लाई द क्लॉथ टू द गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स, यानी कि एक पूरा प्रोसेस है, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ और आप मर्चेंट है, मुझे जितनी जरूरत थी क्लॉथ की मैंने आपको मर्चेंट को अपना ऑर्डर दिया, मर्चेंट ने जाके जो है वीवर को ऑर्डर दे दिया, वीवर ने ऑर्डर कंप्लीट किया, वीवर ने वापस मर्चेंट को अपना पूरा ऑर्डर जितना उसने मांगा था वो दे दिया, और मर्चेंट ने जाके वापस वो ऑर्डर मुझे दे दिया जितने की मुझे जरूरत थी। मैंने आपसे 500 क्लॉथ्स की डिमांड की थी, आपने 500 क्लॉथ वीवर से लिए और लाके मुझे दे दिए। सो इट्स एन एंटायर प्रोसेस जिससे क्लॉथ जो है मार्केट में सप्लाई होता है। सो आई होप ये प्रोसीजर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ यू नो द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्लॉथ सप्लाई हैपन। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर से हमने दो चीजें समझी, ये क्या दो प्रोसेस है, कि मर्चेंट जो है जितना ऑर्डर मर्चेंट के पास आता है वो उतना ऑर्डर वीवर्स को दे देते हैं,
और साथ में जो है रॉ मटेरियल यानी कि यान वगैरह जो धागे होते हैं वो भी वीवर्स को दे देते हैं। वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं और वो वापस मर्चेंट को ही दे देते हैं। तो यहाँ पे वीवर्स के अगर हम देखें तो दो एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, वीवर्स को खुद को अपना पैसा यू नो स्पेंड करने की जरूरत नहीं है टू बाय द मटेरियल, उनको धागे खरीदने के लिए अपने कोई पैसे नहीं लगाने, क्योंकि मर्चेंट जो है मर्चेंट खुद ही जाके वीवर्स को है सारा सामान दे देता है कि ये सारा सामान है, इससे मुझे 500 ऑर्डर्स चाहिए, तुम कैसे भी बनाओ मुझे इस डेट तक चाहिए। तो वीवर्स को ना तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाना होता है धागे वगैरह खरीदने के लिए, ना उनको खुद से कोई मनी स्पेंड करना पड़ता है। सो दे टेक द मटेरियल, दे टेक द यार्न, दे डू नॉट हैव टू परचेज एनी ऑफ देयर मनी ऑन द परचेज ऑफ द यार्न। तो वीवर्स का ये बेनिफिट है कि जो रॉ मटेरियल है, जो यार्न है यानी कि जो धागा है कपड़ा बनाने के लिए, वो मर्चेंट ही उनको लाके दे देता है। दूसरा एडवांटेज जो वीवर्स के लिए है दैट इज कि जो क्लॉथ है, वीवर्स को यू नो हर जगह जा जाके अपने कपड़े नहीं बेचने पड़ रहे, वो पूरा ऑर्डर मर्चेंट को दे देते हैं और मर्चेंट आगे जाके मैन्युफैक्चरर को दे देता है। सो इस वे में यू नो वीवर्स को ना तो खुद के कोई पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और ना उन्हें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ रही है कि यू नो बाय माय क्लॉथ जो मैंने बनाया है, या अलग अलग शॉप्स पे जाके उन्हें अपने कपड़े नहीं बेचने पड़ रहे। सो दे जस्ट गिव इट टू द मर्चेंट एंड मर्चेंट फर्दर गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर। तो इस वे में वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ द यार्न, एंड द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश गुड इज ऑल्सो सॉल्व बिकॉज द मर्चेंट्स सेल द फिनिश गुड। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वीवर्स के क्या बेनिफिट्स हैं पूरे क्लॉथ प्रोसीजर में, तो वीवर्स के दो बेनिफिट्स हैं कि उनको खुद से कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, कोई भी चीज़ें उनको खुद से नहीं खरीदनी, मर्चेंट सारा मटेरियल लाके उनको देता है। एंड दूसरा बेनिफिट जो वीवर्स का है वो ये है कि उनको जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग जाके उनको खुद को नहीं बेचना पड़ रहा, ये काम भी मर्चेंट ही कर देता है। सो मर्चेंट उनसे पूरा ऑर्डर देता है, आगे मर्चेंट है दूसरे लोगों को बेच देता है। सो दे डू नॉट हैव टू गो एंड यू नो डू द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, अलग अलग शॉप्स पे जाके उनको ऐसे नहीं करना पड़ता कि यू नो ये प्रोडक्ट खरीद लो हमारा, हमने एक क्लॉथ बनाया है कॉटन का ये खरीद लीजिए, ऐसे नहीं करना पड़ता, ये सारे काम मर्चेंट्स करने पड़ते हैं। तो वीवर्स यू नो लिव अ वेरी रिलैक्स लाइफ, बहुत चिल है उनके लाइफ में, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर नहीं है उनके लाइफ में, सारे सामान भी मर्चेंट्स लाके देते हैं और प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी मर्चेंट्स ही कर देते हैं, तो उनको इतना कोई स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है उनकी। बट अगर हम ध्यान से इस प्रोसेस में देखें तो वीवर्स का ज़्यादा रोल नहीं है, रॉ मटेरियल भी सारा मर्चेंट लाके दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी मर्चेंट ही आगे ले जाके बेच रहे हैं। तो अगर हम देखें तो मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर यहाँ पे, जितने भी वीवर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द मर्चेंट फॉर द मटेरियल एंड द मार्केट। इससे हमें पता चलता है कि मर्चेंट के पास है बहुत सारी पावर्स है। अब क्योंकि हमें पता है मर्चेंट्स के पास इतनी पावर्स है, रॉ मटेरियल भी वो लाके दे रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी वो जाके बेच रहे हैं वीवर्स का, तो मर्चेंट के पास इतनी पावर्स है तो उससे क्या होता है, तो मर्चेंट क्या करते हैं, दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। यानी कि मर्चेंट्स को, यानी कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि मान लीजिए आप मर्चेंट हैं तो आप लोगों के पास इतनी पावर्स है दैट जितना ऑर्डर मैं आपको दूंगी गारमेंट मैन्युफैक्चर आपको देगा, आप ऑर्डर देंगे वीवर्स को और फिर आप वीवर्स को बहुत कम प्राइस देंगे वो क्लॉथ बनाने के लिए। सो सपोज इफ आप वीवर्स से 500 कपड़े बनवा रहे हैं तो उसका आप बहुत मिनिमल लेट्स से 1000-2000 मनी उनको देंगे, तो बहुत कम प्राइस में आप वो क्लॉथ उनसे बनवाते हैं। And weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो weavers हैं उनको नहीं पता कि आप यानी कि merchant आगे जाके ये सामान किसको बेचने वाले हो और किस price पे बेचने वाले हो।
सो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 500 क्लॉथ उनसे 1000 रुपीज में खरीदा, बट अब व्यूवर्स को नहीं पता कि आपने उनसे तो 1000 रुपीज में खरीदा, बट आप आगे कितने में इसको सेल करोगे। तो हो सकता है आप मुझसे 5000 रुपीज चार्ज कर लो, तो व्यूवर्स को तो आपने 1000 दिए और मुझसे आपने 5000 रुपये ले लिए। तो जस्ट लाइक दैट व्यूअर्स को नहीं पता होता कि जो कपड़ा उनने बनाया है वो अल्टीमेटली किसको बेचा जाएगा और किस प्राइस पे बेचा जाएगा, क्योंकि एक तरह से मर्चेंट जो है दे आर द मिडिलमैन, ये बीच के लोग हैं, ये यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और आगे जाके ऑर्डर सप्लाई कर देते हैं, ये बीच के बीच का बंदर है। बचपन में हम एक गेम खेलते थे ना, बॉल इधर से फेंकते थे और इधर से फेंकते थे और बीच में एक बंदर खड़ा कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही मर्चेंट्स आर बीच का बंदर, ऐसे समझ लो मर्चेंट्स आर बीच का बंदर, ये यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और यहाँ पे जो है ऑर्डर पास कर देते हैं, तो बीच का एक सप्लाई चेन है। तो मर्चेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं, ये व्यूअर्स को ऑर्डर देते हैं, व्यूअर्स को बहुत कम पैसे देते हैं उनके काम के लिए, और आगे जो है व्यूअर्स का जो प्रोडक्ट होता है डबल द रेट में मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं। सो एट द क्लॉथ मार्केट मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज, जो हमने देखा था इरोड का बाई वीकली क्लॉथ मार्केट लगता है। अब यहाँ क्या होता है, बाई वीकली मार्केट में वीवर्स जो है सारा मर्चेंट्स को दे देते हैं और इसी मार्केट में मर्चेंट जो है वो गारमेंट फैक्ट्रीज को आगे सप्लाई कर देते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे इंडिया में भी नहीं, बट इरोड जो कि तमिलनाडु का जो क्लॉथ मार्केट है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है। एंड इस तरह से हम कह सकते हैं दैट मार्केट वर्क्स मोर इन द फेवर ऑफ मर्चेंट्स, क्योंकि मर्चेंट्स को है हर जगह से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। यहाँ पे वीवर्स को बहुत कम पैसे देते हैं और यहाँ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स गारमेंट फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो मर्चेंट्स के अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू नो हाउ मर्चेंट्स आर मोर इन द फेवर इन द मार्केट, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, दैट दे गिव ऑर्डर्स टू द वीवर्स एंड दे पे देम वेरी लो प्राइसेस फॉर मेकिंग द क्लॉथ, वीवर्स हैव नो आइडिया फॉर हुम दे आर मेकिंग द क्लॉथ, फॉर हू विच फैक्ट्रीज और टू विच यू नो बिजनेस पीपल देयर क्लॉथ वुड बी सोल्ड एंड एट वॉट प्राइस दे विल बी सोल्ड and merchants sell the cloth to the garment factories. तो इस तरह से merchants have a very lot of power in their hands. आपने notice किया होगा कि heading मैंने हर slide की जो previous slides थी, यहाँ मैंने heading दे रखी है putting out system. Putting out system. ये putting out system क्या है? तो ये जो मैं इतने पहले की दो स्लाइड से आपको समझा रही हूँ, ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर के बीच में, ये एक पुटिंग आउट सिस्टम का अरेंजमेंट है। पुटिंग आउट सिस्टम कहते किसे हैं? तो पुटिंग आउट सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम वेयर द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द वीवर, यानी कि जो मर्चेंट है वो वीवर्स को यार्न वगैरह जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वीवर्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, और जब उन रॉ मटेरियल से वीवर्स पूरा एक प्रोडक्ट बना लेते हैं यानी कि एक कपड़ा बना लेते हैं, तो वीवर्स से वो फिनिश प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट वेयर मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द वीवर एंड रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम द वीवर, उसको हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। यानी कि मर्चेंट के पास जितना ऑर्डर आया वो उनने जाके जो है वीवर को ऑर्डर दिया, रॉ मटेरियल भी वीवर्स को दे दिए कि ये धागा पकड़ो और मुझे 500 कपड़े बना के दो। ठीक है, वीवर ने उन धागों से 500 कपड़े बना दिए और वो 500 कपड़े बनाने के बाद उन्हें मर्चेंट को दे दिए। तो मर्चेंट ने क्या किया, सबसे पहले मर्चेंट ने वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए, उस रॉ मटेरियल से वीवर ने उन प्रोडक्ट को बनाया और वो प्रोडक्ट बना के वापस से मर्चेंट को दे दिया। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन द वीविंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो वीविंग इंडस्ट्री है अलग अलग रीजन्स में, वहाँ पे पुटिंग आउट सिस्टम
बहुत ही कॉमन है, बहुत प्रेवेलेंट है, जहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और पतले में जो वीवर्स होते हैं वो पूरा सामान बना के वापस मर्चेंट्स को देते हैं और मर्चेंट्स आगे जाके फिर उस सामान को मैन्युफैक्चर को सप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये जो मर्चेंट और वीवर के बीच का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत ध्यान से समझना है, एक बार समझ आ जाए ना तो ये बहुत ईजी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सिस्टम, जो अरेंजमेंट मर्चेंट और वीवर के बीच में है, नॉट द मैन्युफैक्चरर गारमेंट, नॉट द एक्सपोर्टर, सिर्फ मर्चेंट और वीवर के बीच में जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। और अब ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, वॉट इज पुटिंग आउट सिस्टम। तो यू नो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, एंड यूजुअली ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स के लिए ही आता है, लाइक 4 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन। तो अगर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको पुटिंग आउट सिस्टम, जो भी अरेंजमेंट मर्चेंट और वीवर के बीच में है, बेसिकली वो लिख कर आना है और आपको स्ट्रेट अवे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है, एक बार समझ में आ जाए मर्चेंट और वीवर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो बहुत कुछ भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सो आई होप आपको पुटिंग आउट सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हमने देखा कि मर्चेंट के पास बहुत सारी पावर्स है, यू नो, वो ऑर्डर देते हैं, बहुत कम प्राइस पे सामान खरीदते हैं और डबल प्राइस पे आगे बेच देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वीवर्स हैं, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, यू नो, क्योंकि उनको ये नहीं पता उनने जो प्रोडक्ट बताया है वो किसको बेचा जाएगा, उनको ये भी नहीं पता उनने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस प्राइस में बेचा जाएगा। तो इन भी उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है और मर्चेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती है। तो मर्चेंट्स की ये जो पावर्स है ये रिड्यूस अगर हमें करना है तब वीवर्स कोऑपरेटिव बनाई जाती है। ये वीवर्स कोऑपरेटिव होता क्या है? सो वीवर्स कोऑपरेटिव इज बेसिकली एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया जाता है वीवर्स का, सिर्फ वीवर्स होते हैं उसमें, एंड दैट इज बेसिकली टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट्स। हमने अभी पढ़ा कि वीवर्स कितना डिपेंडेंट होते हैं मर्चेंट्स पे, रॉ मटेरियल चाहिए तो मर्चेंट लाके देगा, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो भी मर्चेंट करेंगे, यू नो, कम प्राइसेस पे मर्चेंट खरीदना है तो भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो कितने तरह से हम मर्चेंट पे वीवर्स डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये डिपेंडेंस जो मर्चेंट के ऊपर है, ये डिपेंडेंस कम करनी है और यू नो इनकम ज़्यादा करनी है, तब वीवर्स बनाते हैं अपना वीवर्स कोऑपरेटिव। अब इस वीवर्स कोऑपरेटिव में क्या होता है, जितने भी वीवर्स, यू नो, पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर, तो जितने भी वीवर्स होते हैं जिनके सेम इंटरेस्ट है कि हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, जो मर्चेंट दे रहा है वो तो बहुत ही कम है और हमें ज़्यादा पैसे इसके लिए क्लेम करना है। तो ऐसे जितने भी वीवर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, एक म्यूचुअल बेनिफिट है, ऑल ऑफ देम कम टुगेदर, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दे डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन एक्टिविटीज अमंगस्ट देमसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ अ कोऑपरेटिव, अ वीवर्स कोऑपरेटिव इज फॉर्म। तो जितने भी वीवर्स होते हैं जिनके सेम इंटरेस्ट है कि हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए, ऑल ऑफ देम कम टुगेदर, दे फॉर्म अ ग्रुप और अलग अलग एक्टिविटीज आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सपोज 5 लोग का एक कोऑपरेटिव बना, ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा होते हैं कोऑपरेटिव में, बट अभी समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड 100 लोगों का एक कोऑपरेटिव है। तो उसमें हमने ऐसे कर दिया 25 वीवर्स जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, 25 वीवर्स जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, 25 वीवर्स उसके लिए रॉ मटेरियल लाएंगे और बचे हुए 25 वीवर्स कुछ और काम करेंगे। तो इस तरह से हमने जितने हमारा जो कोऑपरेटिव है उसमें अलग अलग वीवर्स को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी, अलग अलग एक्टिविटीज उनको दे दी। तो कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसकी पब्लिसिटी भी कोऑपरेटिव ही करती है। तो मर्चेंट का यहाँ पे रोल बहुत कम हो जाता है, द रोल ऑफ मर्चेंट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड वीवर्स गेट फेयर प्राइस ऑन द क्लॉथ। जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो क्लॉथ वो बनाते हैं, उसके लिए अगर कोऑपरेटिव के थ्रू दे यू नो गो एंड सेल दे क्लॉथ, तो उनको अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं, अच्छे खासे प्राइस पे क्लॉथ सेल हो जाता है। और कभी कभी गवर्नमेंट भी ऐसे वीवर्स कोऑपरेटिव की है हेल्प करती है बाय बाइंग द क्लॉथ विच दीज कोऑपरेटिव्स, दीज वीवर्स हैव मेड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। मतलब
जितना बनता है उस कपड़े के लिए उतना गवर्नमेंट उनको देती है, एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प दीज कोऑपरेटिव्स। सो आई होप वीवर्स कोऑपरेटिव भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से यूजुअली बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब शॉर्ट नोट और 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। तो आपको क्वेश्चंस आ सकता है कि यू नो वीवर्स के क्या 2 बेनिफिट्स होते हैं, मर्चेंट्स का क्या रोल होता है, व्हाई मर्चेंट्स आर सो पावरफुल इन अ क्लॉथ मार्केट, और वीवर्स कोऑपरेटिव क्यों फॉर्म करता है। तो अगर ऐसा आता है कि वीवर्स कोऑपरेटिव क्यों फॉर्म होता है, तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सीधा सीधा वो लिखना, लिख के आना है कि द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ वीवर्स कोऑपरेटिव इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट टू अर्न हायर इनकम्स। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई वीवर्स कोऑपरेटिव इज फॉर्म, तो व्हाई के लिए हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो कि है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ मर्चेंट। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस कोऑपरेटिव वर्क्स या व्हाट वर्क डज द वीवर्स कोऑपरेटिव डू, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको लिख के आना है दैट जितने भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वीवर्स के, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ ग्रुप। ये और इस ग्रुप में अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग वीवर्स को दे दी जाती है, एंड दे ऑल्सो डू द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इससे जो है मर्चेंट के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड वीवर्स आर एबल टू यू नो गेट प्रॉफिट, दे आर एबल टू गेट फेयर प्राइस ऑन देयर क्लॉथ। तो वीवर्स कोऑपरेटिव से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से करना है, बहुत ईजी है। इस चैप्टर में कुछ भी रटने जैसा नहीं है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक के साथ और थोड़ी प्रैक्टिकल सेंस के साथ इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस चैप्टर में ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को टिप्स पे रखिए, अच्छे से समझिए, एक स्टोरी के जैसे इसको याद मतलब समझिए इस पूरे चैप्टर को, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स, आई एम श्योर फॉर दैट। नाउ आई होप आपको वीवर्स कोऑपरेटिव भी अच्छे से क्लियर होगा। नाउ वी कम टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली वीवर्स का क्या काम होता है, मर्चेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, मर्चेंट्स की कितनी पावर होती है, एंड वीवर्स कोऑपरेटिव क्या होता है। तो बाय लार्ज हमने वीवर्स एंड मर्चेंट्स के बारे में ही पढ़ा है, बट अब हम पढ़ेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, यानी कि जो यू नो पूरे प्रोसेस में जो सबसे पहला ऑर्डर दे रहे थे मर्चेंट्स को कि हमें 500 कपड़े चाहिए, आपको याद होगा अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था। तो वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा था वीवर्स और मर्चेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो वीवर्स होते हैं वो कपड़ा बनाते हैं, और इडोट मार्केट में जो मर्चेंट्स होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं। ये मर्चेंट्स आगे जाके गारमेंट फैक्ट्रीज और एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज को दे देते हैं। फिर क्या होता है, ये जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, इनको कपड़ा तो मिल गया, बट अब इन कपड़े से ये लोग शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, और आगे फॉरेन बायर्स को सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो स्लाइड पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दैट वीवर्स प्रोड्यूस द कॉटन क्लॉथ, देन दे फर्दर गिव इट टू सप्लाई टू द इरोड मर्चेंट्स, इरोड मर्चेंट्स फर्दर सप्लाई टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, एंड दीज गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज फर्दर make shirts from this cloth and further supply it to the foreign buyers. ये पूरा process होता है एक shirt का बनने से, cotton का कपड़ा बनने से लेके उसका shirt में convert होने तक का अगर पूरा process है, तो वो ये process है। जो shirt हम दुकानों पे जाके खरीदते हैं वो भी कैसे उन दुकानों तक पहुंचता है, तो उसका process भी एक first point है। वीवर का क्लॉथ बनाते हैं, मर्चेंट को देते हैं, मर्चेंट आगे जाके गारमेंट फैक्ट्रीज को दे देते हैं, ये गारमेंट फैक्ट्रीज आगे जाके उस कपड़े का शर्ट बनाती हैं, और शर्ट आगे जाके फॉरेन बायर्स को दे देती हैं। सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस। बट अभी फॉरेन बायर्स होते कौन है, हमें यहाँ तक का प्रोसेस तो पता था कि गारमेंट फैक्ट्रीज वाले ऑर्डर मर्चेंट को देते थे, मर्चेंट जाके वीवर्स को दे देते थे, वीवर्स उसका कपड़ा बना के मर्चेंट्स को वापस दे देते थे, और फिर मर्चेंट जो है वापस गारमेंट फैक्ट्री को वो कपड़ा सप्लाई कर देता था। अब हम इसके आगे का प्रोसेस भी हमने जान लिया कि गारमेंट फैक्ट्रीज उस कपड़े से शर्ट बना के फॉरेन बायर्स को दे देती है।
अभी फॉरेन बायर्स कौन होते हैं? सो दीज फॉरेन बायर्स आर बेसिकली बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप. यूएस और यूरोप के जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, उन लोगों को ये सारा माल सप्लाई कर देते हैं. एंड दीज बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप दे डू दिस बिजनेस ऑन वेरी स्ट्रिक्ट बिजनेस टर्म्स. बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेस पॉलिसीज होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेस टर्म्स होते हैं. तो दीज बिजनेस पीपल जो यूएस और यूरोप के जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं, फॉरेन बायर्स जो हैं, वो उनको जो डिलीवरी चाहिए होती है इन शर्ट्स की, वो टाइम पे चाहिए होती है, ना एक दिन लेट ना एक दिन जल्दी, एकदम टाइम पे डिलीवरी चाहिए होती है, एकदम बेस्ट क्वालिटी के कपड़े चाहिए होते हैं. एंड ये लोग बहुत लो प्राइसेस पे खरीदते हैं. सो सपोज इफ आई एम बाइंग दिस टी शर्ट, सपोज आई एम अ बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, सपोज इमेजिन करो मैं एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी बिजनेस पर्सन हूँ और मुझे इंडिया से जो है 500 शर्ट्स खरीदने हैं. अब मैं जो है ये 500 शर्ट्स लेट से 2000 रुपीज में खरीद रही हूँ और आगे जाके मैं यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अपनी कंट्री में इसको 10,000 में बेच रही हूँ. तो मैंने जो खरीदा 2000 में खरीदा, यानी कि 2000 तो बहुत कम प्राइस है जिस प्राइस पे मैं इतना पूरा सारा सब खरीद रही हूँ. सो ये जितने भी फॉरेन बायर्स होते हैं, जितने भी बिजनेस पर्सन होते हैं, दे डिमांड वेरी लो प्राइसेस फ्रॉम दी सप्लायर्स यानी कि गारमेंट फैक्ट्रीज या एक्सपोर्टर्स. सो बिजनेस फॉरेन बायर्स डिमांड लोएस्ट प्राइस फॉर देयर फ्रॉम द सप्लायर्स फ्रॉम द गारमेंट फैक्ट्रीज. दे सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. जो इन शर्ट टी शर्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो डिलीवरी है पूरे ऑर्डर का वो टाइम से होना चाहिए. ऐसे नहीं आज की डेट है और एक महीने बाद ऑर्डर पहुंच रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. ये लोग बिजनेस बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स पे करते हैं और अगर कोई भी शर्ट डिफेक्टिव हो, फटा हुआ हो या फिर डिलीवरी अगर देर से हो रही हो, तो ये जितने भी फॉरेन बायर्स होते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं. बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है, बिजनेस पॉलिसीज होती है इनकी. सो जितने भी गारमेंट फैक्ट्रीज होती है इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है. एक तो उनको टाइमली डिलीवरी करनी होती है गारमेंट फैक्ट्रीज को, फिर उनको एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बना के आगे इन फैक्ट्रीज को देना होता है और उसके लिए उनको बहुत कम प्राइस मिलता है और बहुत कोई भी कपड़ा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, टाइम पे डिलीवरी पहुंचनी चाहिए. तो जो इंडिया में जितनी भी गारमेंट फैक्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है. अब क्योंकि इन गारमेंट फैक्ट्रीज के ऊपर इतना प्रेशर होता है फॉरेन बायर्स से, तो ये गारमेंट फैक्ट्रीज भी बहुत स्मार्ट होती है, बहुत स्मार्ट होती है. ये क्या करते हैं, ये कॉस्ट कटिंग करते हैं, यानी कि क्योंकि इनको डिलीवरी एकदम टाइम पे देनी होती है और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं फटे हुए कपड़े जा रहे हैं या बहुत खराब क्वालिटी के कपड़े जा रहे हैं. तो ये गारमेंट फैक्ट्रीज क्या करती है, दे इनकी फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको बहुत 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 देर के लिए काम करवाते हैं. सो दीज वर्कर्स ऑफ दीज फैक्ट्रीज वर्क फॉर अराउंड 15 to 16 आवर्स अ डे. एंड इतना काम करने के बाद भी ये फैक्ट्रीज इन वर्कर्स को बहुत कम काम बहुत कम पैसे देती है. जस्ट इमेजिन सपोज यू आर वर्किंग फॉर 12 to 15 आवर्स अ डे और हर दिन का इतना काम करने पे भी आपको लेट से हर दिन का आपको सिर्फ 100 रुपये मिल रहा है. द फैक्ट्री इज ओनली गिविंग यू 100 रुपीज. तो इस तरह से आपको जो आपकी इतनी मेहनत लग रही है बट आपको जो है बहुत उस मेहनत के हिसाब से बहुत कम प्राइस मिल रहा है. सो गारमेंट फैक्ट्रीज ट्राई टू कट द कॉस्ट बाय गेटिंग मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द वर्कर्स एट अ वेरी लो वेजेस. बहुत कम सैलरी इन वर्कर्स को दी जाती है एंड इस तरह से ये जितनी भी गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं दे मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ वेरी चीप प्राइस. यानी कि ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज के जो ओनर्स होते हैं ये अपने वर्कर्स से बहुत कम रेट्स पे काम करवाते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं, तो इनका जो है पैसे बच जाते हैं उधर और फिर ये जो है आगे फॉरेन बायर्स को अपना सारा माल बेच देते हैं बहुत कम प्राइस पे. तो इस वे में गारमेंट फैक्ट्रीज आर ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स.
तब हम बात करते हैं मार्केट एंड इक्वालिटी में। हमने देखा कि जो वीवर्स हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और बहुत सारे काम उनसे कराए जाते हैं। फिर हमने देखा जो मर्चेंट्स हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। फिर हमने देखा मर्चेंट से ज़्यादा पावरफुल तो भाई फैक्ट्री वाले निकले, इतना सारा काम अपने वर्कर से करवाते हैं और उनको इतना कम पैसे देते हैं और उससे भी ज़्यादा पावरफुल। फिर हमने देखा कि ये जो फॉरेन बायर्स हैं भाई ये तो और ही नेक्स्ट लेवल है, और ज़्यादा पावरफुल है, इतने स्ट्रिक्ट टर्म्स पे काम करवाते हैं, डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी एकदम बेस्ट होनी चाहिए और उसके लिए पैसे भी बहुत कम देते हैं। तो हर जगह इनइक्वालिटी ही इनइक्वालिटी है, बट हम इस इनइक्वालिटी को कैसे, मार्केट में कितनी इक्वालिटी है भी या नहीं है, वो सब अब हम समझेंगे इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। तो हमने समझा कि जो फार्मर एक कॉटन बनाता है, कॉटन से लेके जो शर्ट हमें मार्केट में मिलते हैं, ये पूरा इस पूरा प्रोसेस क्या होता है इन सब चीज़ों का, कैसे वीवर्स को यार्न मिलती है, कैसे वो उस यार्न से क्लॉथ बनाते हैं, कैसे क्लॉथ से शर्ट बनता है, ये पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में आप अभी तक देख चुके हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन ऑफ द मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है ये भी हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इनकेस यू हैव मिस दैट लास्ट चैप्टर देन प्लीज 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 गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन ऑन चैप्टर 8, दैट इज मार्केट अराउंड अस, जहाँ पे मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट समझाए हैं और चेन ऑफ मार्केट्स भी बहुत डिटेल में समझाया है। तो आपको अगर इनकेस यू डोंट नो वॉट आर चेन ऑफ मार्केट्स देन यू कैन गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो ऑफ माइन, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। जस्ट टाइप क्लास अपार्ट क्लास 7 मार्केट अराउंड अस, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज चेन ऑफ मार्केट। तो चेन ऑफ मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हर स्टेप, हर प्रोसेस, हर यू नो हर पड़ाव पे बाइंग एंड सेलिंग कुछ ना कुछ होता है और हर स्टेज पे अलग अलग अर्निंग्स होती है। तो जैसा कि मैंने बताया जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं ये पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको होते हैं, दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। फिर इन फॉरेन बिजनेस पर्सन से थोड़ा कम प्रॉफिट्स होता है गारमेंट एक्सपोर्टर्स का, इनको भी बहुत प्रॉफिट मिलता है, कैसे मिलता है वो सब अब हम डिस्कस कर ही चुके हैं तो आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग दैट। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है फॉरेन बायर्स को, सबसे ज्यादा यू नो मजे में ये लोग रहते हैं, इनसे थोड़े से कम मजे पे थोड़े से यू नो कम प्रॉफिट पे होते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स। गारमेंट एक्सपोर्टर से भी सबसे कम प्रॉफिट में होते हैं फैक्ट्री के वर्कर्स, क्योंकि ये लोग इतना सारा काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको इनके प्राइस नहीं मिलते हैं। सो वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री बेरली कवर देयर डेली नीड्स। सो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं फॉरेन बायर्स, फॉरेन बिजनेस पर्सन जो कि यूएस और यूरोप के होते हैं। उससे कम प्रॉफिट में होते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो इन फॉरेन पर्सन को यू नो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, और गारमेंट एक्सपोर्टर्स से भी कम बेनिफिट में होते हैं वर्कर्स। सो दैट्स द क्रोनोलॉजी। अब ये जो स्मॉल कॉटन फार्मर्स होते हैं जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कर्नूल के एक स्मॉल कॉटन फार्मर से दैट वाज सपना, या फिर जो इरोड में जो वीवर्स होते हैं, ये लोग इतना इतना टाइम लगा के कॉटन बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, बट उनको मार्केट में इन जितना हार्डवर्क वो इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको प्राइस नहीं मिलते हैं। सो दे एंड अप बीइंग पुअर। एंड जो मर्चेंट्स होते हैं दे आर समवेयर इन बिटवीन। तो मर्चेंट्स वीवर्स से तो ज़्यादा पैसे ही कमाते हैं, बट जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं जो वीवर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा कम कमाते हैं। सो अगर यू नो फार्मर और गारमेंट एक्सपोर्टर के बीच में कोई प्रॉफिट है तो वो मर्चेंट्स का प्रॉफिट है। और यहाँ से हमें समझ आता है कि नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। मार्केट में हर किसी को इक्वल अमाउंट नहीं मिलता है, नॉट वीवर्स एंड मर्चेंट्स को अलग पैसे मिलते हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर्स को अलग पैसे मिलते हैं, फॉरेन बायर्स को अलग पैसे मिलते हैं। सो मार्केट या हर प्रोसीजर में मार्केट में हर एक को अलग अलग प्राइस पे जो है मनी मिलते हैं।
नाउ इससे हमें समझ आता है दैट देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. यानी कि बिजनेसमैन जितने भी हो गए या फैक्ट्री ओनर्स हैं, दे आर द रिच एंड द पावरफुल पीपल जिनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम अर्निंग्स मिल रही है मार्केट से. ये अभी हमने समझा. बट ये जो छोटे लोग हैं, जैसे कि हो गया फार्मर्स हो गए या वीवर्स हो गए, दे हैव टू डिपेंड ऑन दीज रिच पीपल फॉर द रॉ मटीरियल, लोन लेने के लिए, या जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग के लिए. जैसे कि हमने देखा कि वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम हैव टू डिपेंड अपॉन द मर्चेंट्स, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो जितने भी पुअर, यू नो दीज पुअर पीपल लाइक द वीवर्स एंड द स्मॉल फार्मर्स, दे हैव टू डिपेंड अपॉन द रिच एंड द पावरफुल पीपल हु ओन दीज फैक्ट्रीज, हु एक्सपोर्ट द मटीरियल, हु यू नो ओन लार्ज शॉप्स एंड शोरूम्स. उनके ऊपर इनको डिपेंड करना पड़ता है. एंड बिकॉज जहाँ पे भी डिपेंडेंस होती है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता ही होता है. सो बिकॉज दीज पुअर पीपल हैव टू डिपेंड अपॉन द रिच एंड द पावरफुल पीपल, सो ये जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी ये फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, दे एक्सप्लॉयट दीज पुअर पीपल्स बाय मेकिंग देम वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड गिविंग देम वेरी लो वेजेस. तो इस तरह से जो है पुअर पीपल, द वीवर्स एंड द फार्मर्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय द रिच पीपल. अब इस एक्सप्लॉयटेशन का सल्यूशन क्या है? हमें ये तो पता है दैट पुअर पीपल आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड, बट वॉट इज द सल्यूशन फॉर दिस एक्सप्लॉयटेशन? तो एक सल्यूशन है दैट दीज फॉर्म द कोऑपरेटिव्स. जो वीवर्स कोऑपरेटिव के हमने बारे में पढ़ा था, दैट हाउ अगर कोई वीवर कोऑपरेटिव फॉर्म होती है तो कैसे उनको उनके प्रोडक्ट के लिए प्राइस एकदम करेक्ट प्राइस मिलते हैं, कैसे जो बेनिफिट्स हैं, मर्चेंट जो इतना पावरफुल होता है उनके मर्चेंट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है. So forming cooperatives of producers is very good solution to this exploitation. दूसरा solution है कि जितने भी rights हैं, जितने भी laws हैं, जितने भी कानून हैं, वो बहुत अच्छे से follow हो. यानी कि जो weavers के जो rights हैं, हमने पढ़ा था civics is all about rights and duties. तो weavers के भी कुछ rights होते हैं, workers के rights होते हैं. तो that needs to be ensured कि workers के जो rights हैं वो exploit नहीं हो रहे हैं. वर्कर्स की जो राइट्स हैं, यू नो टू गेट इक्वल वेजेस, टू गेट गुड वेजेस, वो कोई यू नो कम दाम तो नहीं दे रहा है, उनको एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रहा है. तो अगर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है तो उसके दो सोल्यूशन है. फर्स्ट इज फॉर्म वीवर्स कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. कोऑपरेटिव फॉर्म करना पड़ेगा. एंड सेकेंड इज इंश्योरिंग द लॉज, दैट इज द राइट्स ऑफ द वीवर्स नीड्स टू बी इंश्योर्ड. सो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. एंड अगर आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ना है, देन यू कैन कम टू माई स्पेशल क्लासेस विच इज ऑन द अनअकैडमी ऐप. तो आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड देयर यू कैन टेक स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं. आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप वहाँ स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं. एंड स्पेशल क्लासेस बहुत फन होती हैं, बहुत इंटरैक्टिव होती है. आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो. जैसे कि मुझसे तो अभी आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो. बट इन केस यू वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद मी, जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको वो क्वेश्चन मुझे आंसर करने होंगे, तो इफ यू वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद मी देन प्लीज कम टू माई स्पेशल क्लासेस विच इज ऑन द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. आपको सिर्फ एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी लर्नर्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है. आप आइए, अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, अपने क्लासमेट्स को लेकर आइए, एंड टुगेदर यू नो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. प्लस स्पेशल क्लासेस में बहुत सारी क्विज वगैरह भी होते हैं, पोल्स होते हैं, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. तो बहुत मजे आते हैं स्पेशल क्लासेस में. तो प्लीज डू कम एंड अटेंड स्पेशल क्लासेस. इसके अलावा नाउ वी कम टू द सब्सक्रिप्शन. तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो सारे बेनिफिट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं. तो आप लाइव पढ़ सकते हैं फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, कभी भी किसी भी टाइम पे अपने घर से, ना तो किसी ट्यूशन टीचर के घर आपको जाना है, ना धूप में अपने घर से कहीं निकलना है. नानी के घर में हो, दादी के घर में हो,
कहीं पर भी हो, यू कैन लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. इसके अलावा आप अपने टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया था, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वेर यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. सो आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो. देयर इज अ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन एंड यू कैन इवन आंसर द क्वेश्चंस व्हिच द एजुकेटर इज आस्किंग. पूरा सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से कवर किया जाता है. एक बार आप अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आपको जो कोर्स पढ़ना है आप वो सारे कोर्स पढ़ सकते हैं. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, किसी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं. सो यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यू गेट स्टडी मटेरियल फ्रॉम अन अकेडमी, यू गेट अ मेंटर हु विल गाइड यू विद एवरीथिंग ए टू जेड. हर चीज से आपको गाइडेंस मिलेगी, कैसे पढ़ना है, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, हाउ यू कैन यू नो मेंटेन योर परफॉर्मेंस, हाउ देयर कैन बी कंसिस्टेंसी इन योर परफॉर्मेंस. इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होते हैं. तो ये सारी चीजें अन अकेडमी पे होती है अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे. अब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आपके स्क्रीन पे अलग अलग पैकेजेस दे रखे हैं. 6 मंथ का पैकेज है, 12 मंथ का पैकेज है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का पैकेज है. क्या प्राइस दे रखे हैं पर मंथ, वो भी आपको दे रखा है स्क्रीन पे. और एक साइड पे अगर वही प्राइस जो अलग अलग पैकेजेस के हैं, 10% ऑफ 10% डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है, वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. और ये 10% कैसे मिलेगा, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ दिस मोबाइल आइकॉन, मोबाइल इमेज, दैट इज PJAIN10, दैट इज माई कोड. अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको इन पैकेजेस पे 10% ऑफ मिलेगा. अब एक दूसरा टाइप का सब्सक्रिप्शन है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या फीचर्स हैं, सो दैट इज ऑल्सो मैंशनड ऑन योर स्क्रीन. तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो सिर्फ आप पे, आपको ही गाइड करेगा, आप पे ही पूरा फोकस होगा, एक फ्रेंड के तरह आपको ही सिर्फ वो गाइड करेगा. प्लस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ऑन स्पॉट आप सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो. इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको वीकली रिपोर्ट्स भी मिलेंगी. तो अन अकेडमी आपके पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस सही है, क्या आपकी प्रोग्रेस सही है, उसकी पूरी एक एनालिसिस रिपोर्ट बना के आपको देगा, जिसमें आप देख सकते हो आपने पूरे वीक में कहाँ इम्प्रूव किया, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, हाउ यू कैन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, कैसे आपको पढ़ना चाहिए. ये पूरा वीकली रिपोर्ट अन अकेडमी आपको पढ़ा के देगा. और एक बहुत मेजर बेनिफिट जो है अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, वो ये है दैट देयर इज पेरेंट एंड एजुकेटर कनेक्ट. यानी कि आपके डाउट्स तो क्लियर होंगे प्लस आपके पेरेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं. हाँ, आपको किस लाइन में आगे, यू नो पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, कहाँ पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. तो जो भी डाउट्स हो पेरेंट्स के डाउट्स भी यहाँ पे सारे क्लियर होंगे. एजुकेटर्स बहुत कामली पेशेंटली पेरेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. और ये बेनिफिट मिलेगा आपको सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे. प्लस यहाँ पे आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिसमें यू नो पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल आपके पास होगा एंड आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि इस मंथ में यू नो ये याद करना था बट क्या मैं इतना याद कर पाया इस वीक में, इस मंथ में. सो यू कैन ट्रैक योर ओन स्टडी परफॉर्मेंस. और प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने सारे बेनिफिट्स थे वो सारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी आपको मिलते हैं. अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या प्राइस और पैकेजेस हैं, देन दैट इज अगेन मेंशन ऑन योर स्क्रीन. अलग अलग पैकेजेस हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. अलग अलग प्राइस दे रखे हैं हर पैकेज के अकॉर्डिंग. आपकी जैसी भी कन्वीनियंस है, जैसी सहूलियत है आपकी, आप ये सारे पैकेजेस जो आपको कन्वीनियंट है वो पैकेज ले सकते हैं. प्राइस आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है. और अगर आपको इन प्राइस को और कम करना हो तो आपको 10% डिस्काउंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी मिल सकता है. 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मेरा कोड यूज करने से मिलेगा, दैट इज PJAIN10. जब आप अगर मेरा एक कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. एंड आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं 10% ऑफ का क्या है. तो ये वाला जो फोन है, ये वाला जो फोन का एक इमेज है यहाँ पे जो है 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड. प्लीज
Before going, leaving this video, crossing the tab, please like, share and subscribe to this channel. Like this video, share this video amongst your friends, relatives, cousins, acquaintances and subscribe to the Unacademy channel. And hit the bell icon to get the latest updates about on the Unacademy channel. Together we and you can crack any exam, we can ace any of the exams. So let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video. Thank you.